हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, हम अभी बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की कल के लिए जो हमारा क्या रेंज रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए और कहाँ पे हमारा अपर साइड और लोअर साइड का रेंज रह सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडर्स, आपको पता है कि अभी यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दिन पर दिन जो अमेरिका वाले ने अभी हाल ही फिलहाल में नाटो देश को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी उठा लिया, जिसके कारण अभी और भी मामला पेचीदा फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर्स, अभी जो पीसीआर की वैल्यू को देखिएगा तो पीसीआर की वैल्यू को देखिएगा तो 0.43, मतलब आपको पहले भी हमने बता रखा है कि पीसीआर की वैल्यू अगर 1 से कम है, जितना कम होगा मार्केट्स के अंदर उतना ज़्यादा डाउनफॉल होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ 0.43, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी गिरावट है। तो आज के सत्र में करीबन 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिले हैं। एज पर पीसीआर की वैल्यू को अगर आपने देख कर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर इतना गिरावट है अकॉर्डिंग टू पीसीआर वैल्यू भी। मगर ट्रेडर्स, एक सेंटिमेंट आज के अगर ग्लोबल मार्केट्स को और एचसीएक्स निफ्टी को देख लिया जाए तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिल रहा है तो उसको देखते हुए अगर मार्केट्स में अगर अपर साइड में देखिएगा तो यहाँ पे दो चीज़ें आप दिखा देता हूँ ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर ब्लू कलर जो दिख रहा है वो कॉल है और यहाँ येलो कलर है जो पुट है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बड़ा कैंडल किसका है तो ब्लू कलर का है। इसका मतलब 33,500 क्या हुआ, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी 33,500 क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 33,500, सॉरी। कॉल ऑप्शन हमेशा रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है और पुट ऑप्शन सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा 32,500 एक सपोर्ट का है, 32,500। और ऐसे भी मार्केट्स के अंदर अभी भी गिरावट होता है तो ये हमें लगता है आपको 30,500 तक की गिरावट देखने को मिल सकता है। 30,500 और 28,000 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है। महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, बार बार महंगाई मार्केट्स में आ रहा है तो आपको इसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो 32,500 अगर नीचे जाता है तो लोअर लेवल है मेरा 30,500 और दूसरा 28,000। अगर अपर साइड जाता है तो यहाँ से आपको 34,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है, 34,000 और 34,500 के लेवल तक, ठीक है। ये तो रहा हमारा ब्रॉड रेंज अभी अपर साइड और लोअर साइड का, मगर हमें अभी भी गिरावट के ही संकेत हैं जो आपको 30,500 और 28,000 का रेंज हमें दिख रहा है मार्केट के अंदर। ये तो रहा हमारा ब्रॉड रेंज अभी तक का जो मार्केट्स का सिचुएशन, मगर कल क्या करें। तो कल अपर साइड का जो रेंज है कितना है, 33,500। अगर 33,000 को ब्रेक करता है तो आपको 33,500 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 33,500। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको 33,700 तक भी देखने को मिल सकता है कल मार्केट्स के अंदर। जिस प्रकार से आज के सत्र में इतनी गिरावट देखने को मिला है, हो सकता है आपकी आपको 3 से 4% तक का अपर साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर एज पर एचजीएक्स निफ्टी जो है उसके अनुसार से। और यहाँ पर देखिएगा ओपन चेंज, ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज का वैल्यू है उसको अगर देखिएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ से 33,000 के नीचे एकदम कुछ नहीं है आज के सत्र में, सिर्फ 33,000 मामूली है, 32,500 जो है ना मामूली सपोर्ट है, वो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, गिरेगा तो एकदम ज़्यादा गिरावट के ही है। मगर 33,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मगर उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ओवरऑल क्या है कि छोटा मोटा रेजिस्टेंस है। 33,000 के ब्रेक करता है तो 33,500 है और नीचे गिरता है तो गिरने पे कोई रोक टोक नहीं है, गिर सकता है, ज़्यादा भी गिर सकता है। अगर 32,500 के नीचे जाता है तो आपको 250 और मे भी हो सकता है 32,100 तक भी जा सकता है नीचे गिरेगा तो। अपर जाता है तो 35,000, अपर साइड का जो रेंज है 33,700 का। एक ब्रीफ कर देता हूँ कि अपर साइड का रेंज क्या है, तो 33,700 तक का रेंज है अपर साइड तक का। अगर बढ़ता है तो आपको 3 से 4% तक का अपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर डाउन साइड जाता है तो आपको 1 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल सकता है, मगर उससे भी ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। मगर कल के रेंज में हमको लगता है 32,500 के नीचे जाता है तो आपको 32,300 भी और 32,100 भी देखने को मिलेगा, मगर इतनी गिरावट ना होकर हमें पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट